हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑन लेट्स स्टडी टुगेदर। आई नो ऑल आर यू फाइन एंड आई विशेज यू दैट आर विल बी फाइन। टुडे वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 9 जुलाई 2020। एज ऑलवेज बिफोर मूविंग टुवार्ड्स आवर करंट अफेयर्स, लेट्स डिस्कस अबाउट आवर मोटिवेशनल कोट। ए ड्रीम रिटन डाउन विथ अ डेट बिकम्स ए गोल। इफ यू हैव अ ड्रीम, अगर आपका कोई एक सपना है जो कि आपने किसी कुछ चीज़ को पाने के लिए सपना, वो जो आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो, वो नहीं सपना जो रात को सोए और 10 बजे तक उठ गए आपने रात को सपना लिया था, मैं क्या बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो सपना नहीं। आपने अपने भविष्य को सोचने के लिए जो सपना देखा हो कि आपको कुछ बनना है, वो सपना, आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपको एक बड़ा स्टार्टअप खोलना है, आपको बड़ी कंपनी खोलनी है, वो सपना। अगर आपको वो एक सपना है कुछ स्टार्ट करने का, कुछ पाने का, कुछ बनने का, और आपने उसको एक डेट लिख दिया कि 1 साल में मुझे ये काम करना है या 2 साल में मुझे ये काम करना है, तो उसको पहले तो पिन पॉइंट रखिए कि कितने साल में आपको वो काम करना है, कितने साल तक आप इस पर काम कर सकते हो ताकि आप उसको अचीव कर सको। फिर उसके आगे आप आगे फुल स्टॉप लगा दीजिए कि इस डेट तक मैं वो काम कर लूँगा, ठीक है। आप हमेशा जब कोई सपना लेते हो ना, तो उसको एक स्पेसिफाइड टाइम दे दीजिए कि इस टाइम तक मैं उसको काम करूंगा। फिर जो बीच में जो टाइम बचा है उसको आप छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, क्योंकि अगर आपको काम बहुत बड़ा है तो आप क्या होगा, उसको छोटे छोटे भागों में बांट लोगे कि एक दिन में आप काम नहीं कर पाओगे, तो उसको क्या आप छोटे छोटे भागों में बांट करके उसको अचीव करते चले जाओगे कि हाँ आज मुझे इतना काम करना है, कल मुझे इतना काम करना है। जब आपका थोड़ा थोड़ा काम होता रहेगा ना, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा, ठीक है। एक डिटर्मिनेशन के साथ जगो और उतना काम कीजिए, फिर सोओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन होगा। तो हमेशा सपने को एक डेट के साथ लीजिए, और सपने में जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने कहा भी कि सपने वो नहीं हो जा होते जो रात को हम सोते समय लेते हैं, सपने वो होते हैं जो रात रात को हमें सोने नहीं देते। तो अपने सपने को हमेशा एक डेट के साथ लिख दीजिए, आपको सोने नहीं देंगे अगर आपको उसको अचीव करने का डेडिकेशन हो तो। तो चलो आप भी एक सपना लीजिए कुछ बनने का, कुछ करने का, एंड उसको पूरे डेडिकेशन के साथ इम्प्लीमेंट कीजिए। तो देखते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 9 जुलाई 1875 को फॉर्म की गई थी, एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज थी, और 1956 तक जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया था एज ए अंडर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये कोई न्यूज़ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि आज के दिन ये फॉर्म हुई थी, और ये इंडिया की और एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, और इंडिया में भी फर्स्ट इसी को रिकॉग्नाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन कैबिनेट हैज़ टेकन डिसीजन टू प्रोवाइड 3 फ्री सिलेंडर टू पुअर वुमेन फॉर 3 मंथ्स अंडर उज्ज्वला योजना। जैसा कि आप सबको पता है कि मार्च के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, और जिससे कि सभी उद्योग धंधे बंद हो गए, सारे काम हैं वो भी बंद हो गए, घरेलू काम भी बंद हो गए, जो जैसे मुंबई सिटीज में बड़े बड़े शहरों में जो कुछ लोग आके काम करते हैं वो भी बंद हो गया, आना जाना सब बंद हो गया। तो इससे अगर सबसे बड़ा कोई इम्पेक्ट किसी को पड़ा है तो वह है पुअर फैमिलीज को, एंड जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं छोटे उद्योगों के लिए। तो गवर्नमेंट लगातार उनके लिए काम कर रही है, जैसे कल हमने न्यूज़ में देखा था कि छोटे उद्योगों के लिए 750 मिलियन डॉलर कभी ले रही है, कभी 400 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक से काम हो रहा है, कि जो छोटे एमएसएमईज है उनके लिए काम हो रहा है। अभी अलग अलग गवर्नमेंट क्या है, जल जीवन मिशन के तहत जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको काम दे रही है, ताकि उनके स्किल लेवल के तहत उनका काम कराया जा सके। तो ये एमएसएमईज के लिए भी काम हो रहे हैं, फिर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम हो रहे हैं, पूरे पीपल्स के लिए भी काम हो रहे थे। तो उसी काम के तहत क्या है, गवर्नमेंट ने 3 सिलेंडर और देने के लिए बात की गई है जो गरीब महिलाएं हैं उनको। तो आप जरा देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ इनको पुअर फैमिलीज को हुआ, जो यहाँ से कुछ दिल्ली दिल्ली हो गया, मुंबई हो गई, कहीं से माइग्रेंट वर्कर गए, अब वहाँ पे काम हो गया बंद, जो उन्होंने वापस शिफ्टिंग कर दिया पुराने घर में, जो अपने पुराने जैसे कोई बिहार के हैं तो वो बिहार में आना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पे उनके पास ज़मीन नहीं है, विदाउट लैंडलेस फार्मर हैं, लेबरर हैं। तो अब उनके लिए सामने जाते ही वहाँ पे होगी फूड इनसिक्योरिटी, खाना नहीं मिलेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना नवंबर तक बढ़ा दी, कि हर एक इंडिविजुअल को 5 किलो चावल या गेहूं मिलेंगे, तथा पूरी फैमिली को 1 किलो दाल मिलेगी।
ताकि लोगों को ये चिंता ना हो कि जाते ही मुझे खाना कहाँ मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप है कि प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक तो बढ़ा दिया। लेकिन दूसरी गवर्नमेंट बोलती है कि हर महिलाओं का हम सम्मान करेंगे और उनकी जिंदगी का उत्थान करेंगे। तो गवर्नमेंट बार बार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि महिलाओं के लिए अच्छी तरफ स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना होगा, लेकिन जाते ही जब उनके पास खाना होगा, लेकिन फिर उनको वापस खाना चूल्हे पे पकाना होगा। और दूसरी बात, ऐसे मानसून का मौसम है, बिहार वगैरह में भी बाढ़ आने के चांस है, तो उनकी खाने की एक बार फूड इनसिक्योरिटी फिर बन जाती है। नॉट ओनली बिहार की बात कर रहा हूँ, हर जगह कॉन्टेक्स्ट मिल जाके देख लेंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उनकी फूड फूड इनसिक्योरिटी फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि खाना मिल जाएगा, पकाएंगे कैसे, बाढ़ आ गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 3 महीने तक उनको 3 सिलेंडर और दिए जाएंगे। तो अभी क्या है, जो ये मौसम है बरसात का, उसमें बार बार उनको गीली लकड़ियाँ नहीं बटोनी पड़ेंगी, वो सिलेंडर से अपना खाना बना गए। अब तो आप इस चीज़ को कन जोड़ के लिखिए कि अभी मानसून का मौसम है, बाढ़ आने का है, कुछ जगहों में लकड़ियाँ गीली मिलेंगी, खाना नहीं पका पाएंगे। तो आप उन चीज़ को जोड़िए, वुमेन जो है वो उनके हेल्थ पे इस टाइम पे गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जहाँ पे अभी इम्यून सिस्टम को लड़ने के लिए कोरोना जैसे वायरस से लड़ना है हमें, उस समय इम्यून सिस्टम हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से नहीं लड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि 7 करोड़ 40 लाख वुमेन है, उनको बेनिफिट होगा। अब उज्ज्वला योजना क्या है, उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी 1 मई 2016 को, टू डिस्ट्रीब्यूट 50 मिलियन, मतलब 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो कि जो वुमेन है बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज वाली, उनको 50 मिलियन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जैसे हम मैंने आपको बताया कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए, कुछ लोग तो जो कि झोपड़ियाँ में बड़े बड़े शहरों में रहते थे, तो उन्होंने कि माइग्रेशन शुरू कर दिया, और कुछ लोग और रेंट में किसी के किराए पे घर लेके रहते थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उनका काम धंधा बंद हो गया, अब उनके पास रेंट भी नहीं है, जब काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, तो वो रेंट देने में सक्षम नहीं थे जो प्राइवेट ओनर्स को। तो उन्होंने क्या किया, वो भी माइग्रेंट करना शुरू कर दिया अपने पुराने घरों की तरफ। अब क्या अनलॉक फेज स्टार्ट हो गया है, अनलॉक फेज स्टार्ट हो गया है तो लोग क्या करेंगे, अभी हमें इंडस्ट्रीज भी स्थापित करना है, क्योंकि देश की इकोनॉमी वो वापस रिवाइव करना है। लेकिन क्या, इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए क्या है, वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स है नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डबल काम किया है कि आप इस चीज़ को जोड़ दीजिए कि वर्कर्स भी चाहिए इकोनॉमी में हाथ बटाने के लिए। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो भी जो अफोर्डेबल जो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो फ्लैट बनाए गए थे सिटीज़ में, उनको क्या किया है, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको सस्ते जो किराया है उस पर उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, वर्कर्स का जो प्राइवेट ओनर्स को किराया मोटी रकम नहीं दे सकते थे, वो अभी गवर्नमेंट को चीपर जो सस्ता किराया दे देंगे। इससे गवर्नमेंट को क्या होगा कि उन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फ्लैट हैं, उनके थ्रू एक तरह की देश की इकोनॉमी भी थोड़ा सा रुपया मिल जाएगा, और उसी तरह एक माइग्रेंट वर्कर भी जो सस्ते किराए पे घर पा लेगा, इससे उनको भी आगे जाके वो किसी कंपनी में काम कर पाएंगे और उनको भी एक तरह का जॉब मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन नेवी कंप्लीटेड ऑपरेशन समुद्र सेतु। जो इंडियन नेवी है उसने अपना ऑपरेशन समुद्र सेतु कंप्लीट कर लिया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, एक नेशनल इफोर्ट था, जो भी हमारे इंडियन सिटीजन है दूसरे देशों में रहते हैं, जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो दूसरे देशों में जाके अटक गए, तो उनको उन देशों से बाहर निकालने का जो ऑपरेशन चलाया था उसको नेवी ने, उसको नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये हमारे देश जैसे इधर मेडागास्कर हो गए, सेशेल्स हो गए, जो भी आइलैंड्स वगैरह हैं उनमें फंस गए, उनको वहाँ से निकाल के अपने देश में लेके आना। तो इसमें इंडियन नेवी ने क्या है, 3,992 जो अपने सिटीजन्स हैं उनको सी रूट, मतलब समुद्र के रास्ते से इतने बंदों को निकाला है। और जो भी नेवल शिप जो यूज में की गई थी, उसमें क्या है, INS जलसवा, एरावत, शेडूल, मगर, ठीक है, तो ये नेवी शिप्स काम में ली गई थी। तो इससे पहले भी जो हमारे नेवी ने ना जो एवैक्यूएशन प्रोसेस है जो भारतीयों को निकाला था, उसमें क्या क्या है, ऑपरेशन सुकून 2006 में जो लेबनन के टाइम पे, लेबनन में जो हमारे भारतीय फंस गए थे उनको निकाला था। दूसरा था ऑपरेशन राहत 2015 में, जो यमन से निकाले गए थे, जब यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में क्राइसिस शुरू हो गई थी, तो यमन में जो क्राइसिस थी उस समय सऊदी अरेबिया ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया था यमन में, तो वहां से भी हमारे भारतीयों को ऑपरेशन रात के द्वारा इंडियन नेवी ने निकाला था। तो आप याद रख लेना, ऑपरेशन सुकून में भारतीयों को कहाँ से निकाला, ऑपरेशन राहत से कहाँ निकाला, ऐसा क्या हो गया था उसमें। और उसी के साथ साथ इंडियन नेवी है वो क्या कर रही है, एक मिशन सागर, ठीक है, याद कर लेना, मिशन सागर भी
एक मिशन लॉन्च किया था, उसमें क्या है रिलीफ मटेरियल एंड मेडिसिन थी, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था मालदीव, मॉरिशस, कोमरोस, सेशेल्स, इनको रिलीफ मटेरियल ये एंड मेडिसिन पहुंचाया था। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिलीवर इनॉग्रल एड्रेस ऑफ इंडियन ग्लोब वीक 2020। तो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो इनॉग्रल है, जो पहला भाषण है, मतलब स्टार्ट होने वाला भाषण, वो डिलीवर करेंगे इंडियन ग्लोबल वीक 2020 के दिन। तो इसकी इंडियन ग्लोबल वीक की 2020 की थीम है, वो है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। तो हमारे थीम में भी हम हमेशा कभी वर्ल्ड को पीछे लेके नहीं छोड़ चलते हैं हमारा ये आप इस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा लिख सकते हो कि ये इंडियन ग्लोबल वीक है, उसमें भी हमने केवल इंडिया के ऊपर फोकस नहीं किया, एक न्यू वर्ल्ड का नाम लिया है कि हम हमेशा पूरे विश्व का भला चाहते हैं। हर तरह से हम इंडिया आगे अकेला बढ़ने वाला नहीं है, पूरे विश्व को साथ लेके चलेगा। ठीक है, तो आप थीम याद कर सकते हो बी द रिवाइवल इंडिया एंड बेटर न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट है, यूएस अनाउंस्ड वीजा बैन ऑन सीनियर चाइनीज ऑफिशियल अंडर रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट। तो सबसे पहले तो आप ये एक एक्ट याद कर लेना किसके तहत इनको बैन किया गया है रेशियो। तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने क्या किया है, जो चाइना के जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके वीजा को बैन कर दिया गया है अमेरिका में आने से लिए, रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट 2018 के तहत। अब क्या किया है कि जो अमेरिका के हिसाब से क्या है कि जो उनकी जो अमेरिका के जो सीनियर डिप्लोमेट्स हो गए, ऑफिशियल जर्नलिस्ट ऑफिशियल हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, टूरिस्ट को क्या है कि जो चाइना है वो तिब्बत के ऑटोनोमस रीजन और तिब्बत के और एरिया में जाने से रोकता है, उन पे बैन लगाता है कि वहाँ पे अमेरिका वालों को जाने नहीं देते। और जबकि जो भी चाइनीज ऑफिशियल हैं और सिटीजन हैं वो पूरे अमेरिका में आराम से घूम सकते हैं, चारों तरफ उनको एक्सेस है, हमने कभी किसी पर रेस्ट्रिक्शन नहीं किया। तो इसी के तहत उन पे भी बैन लगा दिया गया है कि वो अमेरिका में जो बड़े बड़े ऑफिशियल हैं उन पे वो वीजा बैन हो गया कि वो अमेरिका में नहीं आ पाएंगे। जो उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने बोला है, जो पोम्पे है उन्होंने बोला है वी आल्सो रिमेन कमिटेड टू सपोर्टिंग मीनिंगफुल ऑटोनॉमी ऑफ तिब्बतन। उन्होंने बोल दिया कि हम ऑलरेडी हमारी जो कमिटमेंट है कि हम ऑटोनॉमी तिब्बत की के लिए सपोर्ट करेंगे, तो आज भी वो तिब्बत की ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इसी के जो बैकग्राउंड में चाइना का भी स्टेटमेंट आया कि तिब्बत अफेयर्स आर प्योरली चाइना इंटरनल, कि तिब्बत का जो भी अफेयर है वो चाइना का इंटरनल अफेयर है और उसमें कोई भी फॉरेनर इंटरफेरेंस अलाउ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने यूएस का जो एम्बेसडर है चाइना में टेरी ब्रस्टार्टेड क्या ब्रांस्टार्ड, वो भी अभी तिब्बत में गए थे लास्ट ईयर। तो आप इसको आप जोड़ सकते हो तिब्बत की ऑटोनॉमी, तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन है, आप मैप पे देख लेना। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं अभी मोबाइल पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा लैपटॉप किसी वजह से ख़राब हो गया इसलिए। तो आप तिब्बत का जो रीजन है ऑटोनॉमस रीजन को आप एक बार फिर से मैप पे जाके चेक कर लेना, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे फिर भी पूछा जा सकता है इसमें, तिब्बत के बारे में पूछा जा गया, चाइना एंड यूएसए के रिलेशन के बारे में अभी बहुत ज़्यादा जो खटाई पे चल रहा है। ठीक है, तो ये आप अलग लग सकते हो कि चाइना में भी ट्रेड वार के साथ साथ अभी वीजा भी बैन कर दिया अमेरिका ने चाइना के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, कॉम्पैक्ट एक्सेल, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड मशीन फॉर मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इंडिया की पहली ऑटोमेटेड मशीन है मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, जो कि लॉन्च की गई है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। ठीक है, याद कर लेना, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के लिए पूछा जा सकता है कि इंडिया की फर्स्ट ऑटोमेटेड मशीन जो कि मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए है, वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा। अब मशीन का क्या काम है, कितना काम हो सकता है कि वो एक साथ बहुत सारे कुड सेवरल सैंपल टेस्ट सिमल्टेनियसली बहुत सारे सैंपल एक साथ टेस्ट कर सकती है। ठीक है, और सैंपल कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लाज्मा सैंपल हो गए, स्वेब हो गए, टिश्यू हो गए, वो भी मशीन के द्वारा ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि बहुत सारे, केवल ये नहीं है कि स्वेब का अलग करेगा, प्लाज्मा अलग करेगा, सारे एक साथ टेस्ट कर सकती है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। अगर हमें कोई भी टेस्ट करने होते थे तो हमें 3 या 4 जो एक्सपर्ट चाहिए थे, अब उनको जरूरत नहीं है, मशीन अकेली ही 3 4 एक्सपर्ट का काम कर देगी, केवल एक ऑपरेटर चाहिए। और ये जब ये ऑटोमेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो वो रिड्यूस जो एरर होती है उसको रिड्यूस कर देगा और एक्यूरेसी को एनहांस कर देगा। अब कैसे होगा, किसी जो कोई एक आदमी काम कर रहा है वो कोई भी मतलब टेस्ट कर रहा है तो उसमें गलती होने के कभी ना कभी चांस हो जाते हैं, कभी मतलब
कुछ उसमें कोई इम्प्योरिटी मिल गई, कुछ भी हो गया, तो जब मशीन ये सैंपल लेके करेगी तो उसमें एरर हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जिसे हम आसानी से जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो skbincher.blogspot.com पे। जय हिंद, जय भारत।